2 की टीचर और आज मैं आपको साइंस के सब्जेक्ट से मंथ ऑफ जुलाई का फर्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 6 एनिमल्स दैट आर केयर्ड फॉर पढ़ाऊंगी। एनिमल्स दैट आर केयर्ड फॉर, हम जानवरों का ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं। यू सी मैनी एनिमल्स इन हाउसेस एंड अराउंड हाउसेस, हम जो है अपने घरों में मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को देखते हैं, अपने इर्द गिर्द बहुत से जानवरों को देखते हैं। फाइंड 9 फ्रॉम दिस पिक्चर, बच्चों इस पिक्चर्स में से आपने 9 एनिमल्स को सर्च करना है, उनको तलाश करना है और फिर उन एनिमल्स के ऊपर सर्कल बनाना है, ठीक है। मोस्ट एनिमल्स लीव एयर इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, बहुत से जानदार जो हैं वो कुदरती जगहों पर जिंदा रहते हैं, सांस लेते हैं, वही उनका घर होता है। दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, वो कैसे जानवर होते हैं, वो जंगली जानवर होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें एनिमल्स वर्क्स इन पेयर्स, ये पेयर्स को आपने कंप्लीट करना है, वाइल्ड और नॉट वाइल्ड जानवरों के नाम लिखने हैं। अब मैं आपको वाइल्ड और नॉट वाइल्ड जानवर क्या हैं ये बताऊंगी। वाइल्ड एंड नॉट वाइल्ड, वाइल्ड एनिमल्स हम जंगली जानवरों को कहते हैं, ऐसे जानवर जो जंगलों में पाए जाते हैं, उनमें शेर, हाथी, लोमड़ी और मुख्तलिफ किस्म के जानवर शामिल हैं। नॉट वाइल्ड एनिमल वो जानवर कहलाते हैं जो अक्सर हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं और जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं और उनसे बहुत से फ़ायदे भी हासिल करते हैं, जैसे गाय, मुर्गी, बकरी और कई किस्म के जानवर। ऐसे जानवर को हम डोमेस्टिक एनिमल्स यानी घरेलू या पालतू जानवर भी कहते हैं। पीपल टेक केयर्स ऑफ यूजफुल एनिमल्स, गिव फूड एंड शेल्टर टू यूजफुल एनिमल्स, बहुत से लोग जानवरों का ख्याल रखते हैं, उनको शेल्टर पनाहगाह यानी रहने की जगह और गिज़ा प्रदान करते हैं। इन रिटर्न एनिमल्स गिव मिल्क, एग्स, मीट, हनी, वोल, सिल्क, लेदर एंड फर, यानी कि फिर उन जानवरों से हमें दूध, अंडे, गोश्त, शहद, ऊन, रेशम, चमड़े और रुएं वगैरह की चीज़ें भी हासिल होती हैं। अब इनकी एक मिसाल मैं आपको दूँ। काउ एंड बफालोज गिव मिल्क, मिल्क हेल्प्स यू ग्रो, इट कीप्स यू हेल्थी। अब जैसे देखें हम गाय और भैंस को पालते हैं, गाय और भैंस से हमें क्या हासिल होता है, दूध हासिल होता है जो हमें नशोनुमा देने में मदद देती है और हमें हेल्थी रखती है। इसी तरीके से हैन ले एग्स, मुर्गियाँ अंडे देती हैं जिसका इस्तेमाल सर्दियों में हमारी बॉडी को गर्म रखता है। चिकन, फिश एंड गोट गिव मीट, उसी तरीके से मुर्गी, मछली का इस्तेमाल, ये सारी और गोश्त का इस्तेमाल, ये क्या होता है, इससे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और शहद, बीज गिव हनी, शहद की मक्खियों से हमें शहद हासिल होता है। अच्छा, ये चीज़ें जो है ये आपको जैसे मिल्क फार्मर जो है वो गाय के दूध को लेता है, अपने ख्याल रखें और उनकी केयर करें तो फिर हम उनसे बहुत से फ़वाद भी हासिल कर सकते हैं और दूसरा उनका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।